विक्रम, मेरा सवाल। यह कहानी एक क्रूर महाराजा, कर्तव्यनिष्ठ सेनापति और लोगों की जान बचाने वाले वैद्य जी की है। एक बार किसी भीषण युद्ध में महाराजा के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल भी होते हैं। सैनिकों के उपचार के लिए दूर नगर से एक वैद्य जी आया करते थे। उन्होंने सभी घायल सैनिकों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ सैनिक मर गए। जब वैद्य जी अपने नगर पहुंच गए, तब वे यही सोच रहे थे कि महाराजा बहुत क्रूर हैं, वे अब उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब भी वे अपने नगर के लोगों का उपचार करते रहे और अपना नगर छोड़कर कहीं नहीं भागे। दूसरी ओर महाराजा अपने काबिल सेनापति को बुलाकर कहते हैं, तुम्हें पहाड़ी पार करके उस वैद्य को बंदी बनाकर लाना है, उसे हम मृत्यु के घाट उतारेंगे। जी हुकुम, ऐसा ही होगा। वह सेनापति उस वैद्य को बंदी बनाने निकल पड़ता है। जब वह वैद्य जी के नगर पहुँचता है, तभी उसे एक बिच्छू काट लेता है। बेहोश पड़े महाराजा के उस सेनापति को वैद्य जी पहचान जाते हैं और उसका उपचार करके उसकी जान भी बचाते हैं। जब वह होश में आता है, तो वह देखता है कि उसकी जान उन्हीं वैद्य जी ने बचाई है जिन्हें वह बंदी बनाने आया हुआ था। तो बता विक्रम, ऐसी परिस्थिति में वह सेनापति उन वैद्य जी को बंदी बनाएगा या छोड़ देगा? तो सुन बेताल, महाराजा अपने सैनिकों के मरने का कारण केवल वैद्य जी को मान रहे थे, जिसको मानने के लिए वे अपने सेनापति से उस वैद्य को बंदी बनाने की आज्ञा देते हैं। बंदी बनाने के लिए जब सेनापति उनके नगर आता है, तभी उसे एक बिच्छू काट लेता है, जिसे जानने के बाद भी वैद्य जी उसका उपचार करते हैं। वैद्य जी कुछ न करके भी अपने प्राणों को बचा सकते थे, लेकिन सब जानने के बाद भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जिस तरह से लोगों की जान बचाना एक वैद्य का कर्तव्य होता है, वैसे ही महाराजा की आज्ञा का पालन करना सेनापति का कर्तव्य होता है। इसलिए वह सेनापति अपना कर्तव्य निभाएगा और उस वैद्य को बंदी बनाकर ले जाएगा। सही जवाब विक्रम। सन विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई भुवन नाम का चोर रहता था। एक दिन वह नगर में व्यापारियों के पास कोई काम मांगने गया। सभी उसे चोर जानकर काम नहीं देते थे। उसके बारे में सब जानने के बाद भी एक दिन उसे दूध और घी के एक बड़े व्यापारी ने काम पर रख लिया। उस चोर को ईमानदारी के साथ काम किए एक वर्ष बीत गया था। भुवन मालिक को शिकायत का एक मौका नहीं देता था। उस भुवन चोर के साथ कोई जीवा नाम का दोस्त रहता था। वह भी चोर था, जो छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा किया करता था। एक दिन वह अपने दोस्त भुवन से कहता है, मैं इतनी चोरियां करके भी कुछ धन इकट्ठा कर पाया हूँ, क्यों ना हम एक बड़ी चोरी करके दूसरे राज्य में अपना कोई बड़ा सा व्यापार शुरू करें। भुवन सारी रात सोचता रहता है। भुवन का मालिक एक बड़ा व्यापारी होता है। एक दिन भुवन उन्हीं की तिजोरी साफ कर दोनों दोस्त दूसरे राज्य भाग जाते हैं। जीवा कहता है, इतने धन से हम एक बड़ा फलों का बगीचा उगाएंगे और फलों का व्यापार करेंगे। मैं जमीन का सौदा करने जाता हूँ, तुम दूसरे नगर से उन्नत किस्म के बीज खरीद कर ले आओ। भवन के जाने के बाद जीवा सारा धन लेकर भाग जाता है। तो बता विक्रम, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन था? तो सुन बीताल, भवन ने अपने मालिक को धोखा दिया, तो दूसरी तरफ जीवा ने अपने ही खास दोस्त को धोखा दिया। जब जीवा ने अपने खास दोस्त को धोखा दिया, वह बड़ा धोखा नहीं था, क्योंकि भुवन जानता था कि वह चोर है, धोखा देना उसकी फितरत थी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा भुवन ने अपने मालिक को दिया, क्योंकि वह धन उसके मालिक की मेहनत का था। और उस व्यापारी ने भुवन को चोर जानकर भी सुधरने का एक मौका दिया और उसे काम पर रखा। इसलिए सबसे बड़ा धोखेबाज केवल भुवन था। सही जवाब विक्रम।